ठीक है, प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी देखते हैं. ठीक है, व्हाट इज द गिवन क्वेश्चन के 49 पावर एन प्लस 16 इंटू एन माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 64 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन. यानी कि हम अगर एन को कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लें और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो जो भी वैल्यू हम लोग को आएगा दैट विल डेफिनेटली बी डिविजिबल बाय 64, वो हम लोग को दिखाना है. ठीक है, तो सेम प्रोसेस फॉर एन इक्वल्स टू 1 हम लोग मालूम करेंगे, फिर एन इक्वल टू के लिए हम लोग अज्यूम करेंगे और फिर हम लोग एन इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो डिविजिबल बाय 64 मतलब कि 64 से कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करने पर इट विल डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट दैट. अब हम देखते हैं व्हाट इज दैट. लेट एस एन इज इक्वल्स टू 49 पावर एन प्लस 16 एन माइनस 1. ठीक है, तो नाउ फॉर एन इक्वल्स टू 1, फॉर एन इक्वल्स टू 1 यहाँ पे एस 1 क्या होगा, एन की जगह पे मैं 1 लिख रही हूँ तो इसीलिए मैं एस 1 लिख रही हूँ. इक्वल्स टू 49 पावर 1 प्लस 16 इंटू 1 माइनस 1 इम्प्लाइज 49 पावर 1 इज 49 प्लस 16 इंटू 1 इज 16 माइनस 1 इम्प्लाइज 49 प्लस इंटू माइनस माइनस 16 माइनस 1 इज 15, ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस तो इट इज प्लस 15 इम्प्लाइज 49 प्लस 15 विल गिव मी इम्प्लाइज 49 प्लस इंटू माइनस माइनस 16 माइनस 1 इज 15, ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस तो इट इज प्लस 15 इम्प्लाइज 49 प्लस 15 विल गिव मी 64. Is 64 divisible by 64? Yes, 64 into 1 is 64. So, therefore, Sn is divisible by 64. ठीक है, क्यों? 64 into 1 will give me 64. ठीक है, ये हो गया. अब next, assume Sn is true for n equals to k. तो यहाँ पे Sk होगा ना हम लोग के पास, क्योंकि n की जगह पे हम लोग k substitute कर रहे हैं. तो Sk equals to 49 पावर के प्लस 16 इंटू के माइनस 1. ठीक है, इम्प्लाइज हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज ट्रू. इट इज ट्रू मतलब कि इट इज डिविजिबल बाय 64. इट इज डिविजिबल बाय 64 कैसे लिखेंगे? इट इज 64 इंटू सम नंबर से पी, वेर वेर पी इज सम इंटीजर, वेर पी इज सम इंटीजर. ठीक है, p कोई इंटीजर है, उसको मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को ये जो है ना ये नंबर आया, यानी कि इट इज डिविजिबल बाय 64. डिविजिबल बाय 64 मतलब क्या? 64 इंटू समथिंग करने पर ये आंसर आना चाहिए ना. जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर 4 है, 4 इज डिविजिबल बाय 2 बोल रही हूँ मैं, तो 2 इंटू 2 करने से मुझे 4 आएगा ना, यानी कि 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 आएगा ना. देन वी से कि इट इज डिविजिबल, तो अब ये 64 से डिविजिबल है मतलब कि इट शुड बी मल्टीप्लाई विद सम नंबर, सम इंटीजर. तो वो मैं इंटीजर मुझे मालूम नहीं है, मैं उसको p ले रही हूँ. ठीक है, वेयर से p सम इंटीजर. तो आई होप ये आपको समझ में आया है. ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी प्रूफ फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, और ये आप इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए. ठीक है ना, अब नेक्स्ट k प्लस 1 के लिए क्या होगा? s ऑफ k प्लस 1 implies क्या होगा? equals to, ठीक है, equals to 49 power n की जगह पे क्या आएगा? k plus 1 plus 16 into n की जगह पे क्या आएगा? k plus 1 minus 1 implies, तो यहाँ पे क्या आएगा? 49 power k into 49, यही हुआ ना, मतलब इसका basis are same, power should be added. अगर मैं यहाँ पे power इसका 1 है, अगर मैं बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड, अगर मैं वो चीज यहाँ पे अप्लाई करने पर मुझे क्या आएगा? 49 पावर के प्लस 1 आएगा, आएगा ना. ठीक है, तो इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना. ठीक है, देन प्लस 16 के प्लस 16 माइनस 1. ठीक है, इम्प्लाइज पावर के इंटू 49 प्लस 16 के प्लस इनटू माइनस विल गिव मी माइनस 16 माइनस 1 इज 15, ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस तो इट इज प्लस 15. ठीक है, अब इक्वेशन 1 हम कैसे यूज करेंगे? आप यहां पे देखिए, 49 पावर के प्लस 16 के माइनस 1 इक्वल्स टू 64 इनटू पी. तो अब हम उसको कैसे यूज करेंगे? आप देखिए यहां पे 49 पावर के है, तो 49 पावर के की वैल्यू हम यहां से कैसे निकाल सकते हैं? इट विल बी 64p, 16k को यहाँ भेजने पर माइनस 16, माइनस 1 को यहाँ भेजने पर विल बी प्लस 1. तो क्या आएगा? 49 पावर k की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं?
64 into P minus 16K plus 1 plus 1 into 49. यहाँ पे जो है हमारा 49 हमने लिख लिया है plus 16K plus 15 implies, यहाँ पे आप देखिए 64 into P into 49, ठीक है, minus 16K into 49 plus 49 into 1 into 49 into 1 is 49 plus 16K plus 15 implies 64 into P into 49 plus 15 will give me plus 64. अब यहाँ पे देखिए 16K को मैं common ले सकती हूँ plus 16K अगर मैं कॉमन लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस 49 बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 इम्प्लाइज 64 इनटू पी इनटू 49 प्लस 64 प्लस 16K इनटू माइनस 49 प्लस 1 माइनस इनटू प्लस माइनस 49 माइनस 1 इज 48 ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस तो इट इज माइनस 48 इम्प्लाइज 64 into P into 49 plus into minus is minus 16K into 48 plus 64. अभी आप यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ पे 64 into something आया और यहाँ पे भी 64 है. यहाँ पे हम लोग के पास 64 नहीं है तो हम लोग इसको ऐसा करेंगे कि ये हम लोग को यहाँ पे भी 64 आना चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे देखिए 64 into P into 49 minus 16 into K into 48 को हम कैसे लिख सकते हैं? It will be 4 into 48 divided by 4. 4 once 4, 4 once 4, 4 2 is 8. So it is 12 into 4. So 4 into 12 will give me 48 plus 64. मैं यहाँ पे क्यों split कर रही हूँ? मतलब क्योंकि 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट 64. तो इसीलिए अब 16 into 4 विल गिव मी 64. तो यहाँ पे लिख लीजिए 64 into P into 49 वैसे ही रहेगा minus 16 into 4 is 64 into K into 12 plus 64. ठीक है? Implies अगर मैं 64 common लेने पर मुझे क्या मिलेगा? 49 into P minus 12K प्लस 1, ठीक है? तो हम लोग क्या है 64 इनटू समथिंग. अब 64 इनटू समथिंग मतलब कि दिस पर्टिकुलर थिंग हम लोग को जो था इक्वल्स टू क्या आया हम लोग को 64 इनटू समथिंग आया. तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज डिविजिबल बाय 64, यस, देयरफॉर दिस इज डिविजिबल बाय 64, देयरफॉर s ऑफ K plus 1 is divisible by 64. Therefore, by principle of mathematical induction, यहाँ पे आपको complete लिखना पड़ेगा principle of mathematical induction. ऐसे अगर PMI लिखेंगे marks cut होंगे. By principle of mathematical induction, SN is true. SN is divisible by 64. बात समझ में आया आपको? ठीक है, तो 64 into some number हम लोग को आना था, हम लोग ने यहाँ पे दिखा दिया है कि 64 into some number definitely it is divisible by 64. कैसे आई ये logic मैंने आपको पहले भी बताया है. अगर मेरे पास यहाँ पे 12 है, is 12 divisible by 4? हाँ, क्यों? 4 into 3 is 12. तो 4 into some number is will give me 12. वो number 3 था, मुझे मालूम है 3 करने से 12 आएगा, तो इसलिए मैंने 3 लिख दिया है. लेकिन मुझे यहाँ पे मालूम नहीं है वो number क्या है. लेकिन there is some number. That sum number into 4 will say sum number into 64 will say that it is divisible by 64. हम next I hope आपको समझ में आया है. अब हम next question देखते हैं. तो हम लोग को जब कभी अगर divisible के problem divisibility के problems आएंगे, हम लोग को जिस number से भी divisible है बोल के हम लोग को जो show करना है वो number into something हम दिखा देंगे. तो इससे हम conclude कर सकते हैं कि that particular given SN is divisible by the given value जो भी हम लोग को प्रूफ करना है. ठीक है, क्वेश्चन देख